दोस्तों बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2024 में जमीन की रसीद या बिहार के किसी भी जमीन का रसीद ऑनलाइन घर बैठे खुद से काटना चाहते हैं तो उसमें एक नया बदलाव किया गया है। अब नए बदलाव के अनुसार बिल्कुल नए तरीके से 2024 में अपने जमीन का या बिहार में किसी भी जमीन का रसीद घर बैठे ही ऑनलाइन काट सकते हैं। अब किस तरह से आप अपने जमीन का रसीद काटेंगे सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप 2024 में बिल्कुल नए तरीके से जमीन का रसीद कैसे काटेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे होने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों 2024 में बिल्कुल नए तरीके से अपने जमीन या बिहार के किसी भी जमीन का घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से लगान यानी कि रसीद काटना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे टाइप करना है भू लगान। भू लगान लिख के जैसे ही सर्च करें पहले वाले लिंक पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अभी तक पुराना ही प्रोसेस है, अब इसमें जाने के नया बदलाव क्या किया गया तो लगान यानी कि रसीद काटने के लिए आपको सिंपली ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करना दोस्तों यहां देखिए एक नया नोटिफिकेशन हाईलाइट हो रहा है। अब इसमें जाने के क्या बताया गया तो यहां देखिए साफ साफ बताया गया कि यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लगान भुगतान सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही लगान का भुगतान कर सकते हैं। यानी कि अब अगर आप लगान जमा करना चाहते हैं, रसीद काटना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको ओके बटन पर इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। तो अगर आप पहली बार बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पोर्टल पे यानी कि इस वेबसाइट पे आए थे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करें इस तरह से यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस साइड आप अपना पर्सनल डिटेल और इस साइड एड्रेस डिटेल भर के आप रजिस्टर नो विकल्प पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कंप्लीट कर लीजिए। अब जैसे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी एक ही बार आपको बनाना होगा, जैसे बन जाएगा अब आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप सिंपली इस तरह से होम विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो होम पेज है इस वेबसाइट का होम पेज पे आ जाएंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए लगभग सभी सर्विस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं भू लगान, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। फिर से ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन हाईलाइट होगा, ओके विकल्प पे क्लिक कर देना है। अब जो मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे ही कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और साइन इन विकल्प पे क्लिक कर देना है। साइन इन विकल्प पे जैसे ही क्लिक करना तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको कन्फर्म विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म विकल्प पे क्लिक करें इस तरह से आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद भी आपको वही सारा सर्विस देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप जमीन का लगान यानी कि रसीद ऑनलाइन काटना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन भुगतान करें पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करो दोस्तों यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना अंचल का नाम सिलेक्ट करना है, आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हल्का का नाम सिलेक्ट कर लेना है जो भी हल्का का नाम है और उसके बाद यहाँ से आपको मोजा का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे जो जमीन का लगान रसीद काटना चाहते हैं उस जमीन का भाग वर्तमान संख्या और पृष्ठ संख्या वर्तमान आपको दर्ज करना होगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया गया भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखे इस लिंक पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना अंचल का नाम सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड विकल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोजा का नाम सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका मोजा का नाम है, और मोजा का नाम सिलेक्ट करने के बाद जो जमीन का आप भाग संख्या पृष्ठ संख्या जानना चाहते हैं उस जमीन का क्या जानकारी आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि रैयत के नाम से खोजे, खाता नंबर से खोजे, प्लॉट नंबर से खोजे, जमाबंदी संख्या से खोजे, तो जो भी उपलब्ध है जैसे कि खाता नंबर से ढूंढना चाह रहा हूं तो खाता नंबर से खोजे पे क्लिक करेंगे। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाले कॉलम इनका हाईलाइट हो जाएगा। जो भी खाता संख्या या जिस माध्यम से आप सर्च करना चाह रहे हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं खाता नंबर से खोज रहा हूँ, मैं यहाँ पे फटाफट से खाता नंबर एंटर कर लेता हूँ। अब खाता नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी सुरक्षा कोड देखने को मिलेगा इनका जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे लिखना और सर्च विकल्प पे क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पे जैसे ही क्लिक करें दोस्तों तो अब यहाँ पे देखिए खाता नंबर से ढूंढ रहे होंगे तो उस खाता नंबर से जितने व्यक्ति के पास जमीन होगा उन सभी का नाम आपको यहाँ पे देखने को
मिल जाएगा। अब दोस्तों का यहीं पे आपको जो चेक करना है, तो जो भी नाम है जैसे मान लीजिए ये 6 नंबर का दिया गया, यही आपका नाम है, तो यहाँ पे दोस्तों खाता संख्या आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ देखिए भाग वर्तमान संख्या में ये आपका भाग वर्तमान संख्या होगा, और यहाँ देखिए पृष्ठ संख्या वर्तमान में ये आपका पृष्ठ संख्या वर्तमान हो गया, तो यही नंबर आपको वहां पे नोट करना होगा। अब दोस्तों इन्हें नोट कर लीजिए, अब यही दोनों नंबर आपको वहां पे दर्ज करना होगा जहां से आप लगान रसीद काट रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाइए। अब इस पेज पे आने के बाद दोस्तों वहां पे आपको जो सो भाग वर्तमान संख्या आपको यहाँ पे एंटर कर लेना, जो कि अभी आपने पता कर लिया, और यहाँ पे पृष्ठ संख्या वर्तमान एंटर करना है, उसका जो भी सुरक्षा कोड देखने को मिलेगा, इनका जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे लिखना है, और खोजे विकल्प पे क्लिक कर देना है। खोजे विकल्प पे जैसे कि ना दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पे डिटेल सर्च करके दे दिया जाएगा, हालांकि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूं। अब आपको देखे विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। देखे विकल्प पे जैसे क्लिक करें यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों कि अगर आप पहले से कोई रसीद ऑनलाइन काटते होंगे पिछले साल का, वो देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे मान लीजिए इसे पिछले वर्ष का ही काटे होंगे वो देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखे विकल्प पे क्लिक करके पिछले साल का भी आप जो सो अपना रसीद डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस साल का बताया गया कि टोटल हमें 30 रुपए भुगतान करना हुआ। आप भुगतान कैसे करेंगे, उसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है, और जिसके नाम से जमीन है उसका नाम यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखना, और जो भी उनके आधार कार्ड पे फुल एड्रेस दिया गया वो पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, इस पर क्लिक करके पूरा टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना और ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक कर दें। ऑनलाइन भुगतान करे पे आप जैसे कि ना दोस्तों इस तरह से नोटिफिकेशन हाईलाइट हो जाएगा, तो सर्वप्रथम आप इनका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, उसके बाद आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है, फिर से आपका पूरा डिटेल देखने मिलेगा। इन्हें आप पूरे बारीकी से चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो भी आपने एड्रेस नाम सब दर्ज किए हैं बिल्कुल करेक्ट है, तो अब आपको क्या करना दोस्तों ऑनलाइन भुगतान करे पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ऑनलाइन भुगतान करे पे आप जैसे ही दोस्तों अब आप इस तरह से ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम बिहार सरकार का जो है इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है। अब जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखिए पेमेंट मोड पूछा जा रहा है, ई पेमेंट या पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर कैश या चेक के माध्यम से, तो बेस्ट रहेगा ई पेमेंट पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, तो जिस बैंक में खाता खुला हुआ है उस बैंक का नाम आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है और उस बैंक का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए और सबमिट विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। अब सबमिट विकल्प पे जैसे ही क्लिक दोस्तों, तो यहाँ देखिए अगर आपका SBI बैंक का नेट बैंकिंग है तो इस पर क्लिक करके नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, अदर बैंक का नेट बैंकिंग है तो इस पर क्लिक करके अदर बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक का ATM कार्ड जिन्हें डेबिट कार्ड बोलते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके, या फिर अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप जो सो यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए, या उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने मिलेगा UPI, तो बेस्ट रहेगा UPI पे आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। अब UPI पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ आना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप किस माध्यम से यहाँ पे जो सो पेमेंट करना चाह रहे हैं, भाया UPI ID या QR कोड, जो बेस्ट आपको लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह से UPI ID पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको UPI ID एंटर कर लेना है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे UPI ID एंटर कर लिया, ये वाले कॉलम को अभी खाली छोड़ना है। अब आपको क्या करना है, कन्फर्म विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। कन्फर्म विकल्प पे जैसे कि ना दोस्तों अब आपको फिर से इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है और कन्फर्म विकल्प पे इस तरह से फिर से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म विकल्प पे क्लिक है, अब आप जो भी पे का आप यहाँ पे जैसे UPI ID दिए हैं उसमें नोटिफिकेशन अलर्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके UPI पिन दर्ज करके आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूँ। अब जैसे आप वहां पे पेमेंट कर देंगे इस तरह से लिखा आ जाएगा योर ट्रांजेक्शन सक्सेस। अब आपको ओके विकल्प पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है, पेज को आपको बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वेट करने के बाद दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो रहा है, तो फिर से आपको कुछ सेकंड तक वेट कर लेना है, और वेट करने का दोस्तों इस तरह से आपका लिखा आ जाएगा पेमेंट इज सक्सेसफुली। अब अगर आप लगान रसीद डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगान रसीद पे इस तरह से क्लिक कर देना है। लगान रसीद पे आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों इस तरह से आपका लगान रसीद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इन्हें आप चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए, या फिर प्रिंट या PDF में डाउनलोड करना चाह रहे तो प्रिंट पे इस तरह से क्लिक करके आप इन्हें प्रिंट कर सकते हैं, या PDF विकल्प पे क्लिक करके आप इन्हें PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से यहाँ पे PDF में डाउनलोड कर लिए हैं।
अब दोस्तों आप पेमेंट भी कर दिए लेकिन किसी कारणवश अगर आपका रसीद यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाया है तो ऐसे में आपको क्या करना है, 24 घंटा वेट करना है। और 24 घंटा वेट करने के बाद जैसे आपने लगान भुगतान करने के लिए आए हैं उसी तरह से आइएगा और जहाँ पे आपको पिछला जो सो आपको लगान रसीद देखने को मिल रहा था देखे विकल्प, उस पर क्लिक करके आप लेटेस्ट वाले अपना लगान रसीद डाउनलोड कर पाएंगे।